हाय दोस्तों, इसी वीडियो में आप देखने वाले हैं टॉप 3 CNC ऑपरेटर और CNC प्रोग्रामर नीडेड ऐप्स के बारे में। मोबाइल ऐप्स जो ऐप्स आप आपका एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करके उसको विदाउट नेट पे यूज कर सकते हैं और वो आपका काम पे क्या क्या आएगा देखेंगे। चलिए देखेंगे। पहला नंबर पे हमारा है CNC टूल्स, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ पर CNC टूल्स, CNC टूल्स जो पहला वाला आएगा आपका, CNC टूल्स लिखा है कैपिटल पे। ये फर्स्ट ऐप ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर लिया है ये ऐप को। आपको ओपन करके देखेंगे उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा, जैसे CNC मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, मेट्रिक और UNC टाइप और एनग्रेमिंग का प्रोग्राम भी डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे पहले देखेंगे CNC मिलिंग पे आपको कटर का जैसे RPM फीड उसको कैसे निकालना है, यहाँ पे उसका ऑटोमेटिकल निकल जाएगा। मान लें एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक लेंगे, उसका डायमीटर 20, देन स्कॉटिंग स्पीड आपको डालना है 100 और नंबर ऑफ टीथ 3, देन फीड पर टूथ 0.5, यहाँ पे उसका फीड रेट आ जाएगा। इसी तरह आपको जितना भी RPM जो भी स्पिंडल स्पीड जो भी निकालना है यहाँ पे निकाल सकते हो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन देखेंगे ड्रिलिंग का भी सेम आपका टूल डायमीटर, कटिंग स्पीड, ये सब आप ऑटोमेटिकल निकाल पा रहेंगे इधर से। नेक्स्ट देखेंगे और क्या क्या फैसिलिटी है। मेट्रिक जैसे टर्निंग पे, टर्निंग का आपको कुछ भी निकाल, इधर टर्निंग का डायमीटर ऐड करेंगे, उसके बाद उसका स्पीड, कटिंग स्पीड, स्पिंडल स्पीड, फीड रेट जब भी वो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली इसको यूज कर सकते हैं। CNC टूल्स ये आपका नेम है, CNC टूल्स, उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पे जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उसमें थ्रेडेड के बारे में किया दिया। थ्रेडेड जैसे यहाँ पे मान लो M3 का उसका पिच आ गया, मैं ओनली क्लिक किया M3 लिखा, राइट किया, लेकिन यहाँ पे उसका पिच 0.5 आ गया। और टेपिंग डायमीटर उसका जो टेपिंग डायमीटर है, ड्रिल डायमीटर 2.5 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे M12 मान लो M12 में क्लिक किया, देन उसका पिच है स्टैंडर्ड का, कोर्स मीन्स आपका स्टैंडर्ड 6H, वहाँ पे उसका पिच आ गया 1.75 और टेपिंग डायमीटर 10.2। उसी तरह आप M8 का आपका आ गया पिच 1.25 और टेपिंग डायमीटर मीन्स आपका ड्रिलिंग डायमीटर 6.8। उसी तरह देखेंगे हम अभी M16 का उसका पिच आ गया 2 mm और टेपिंग डायमीटर 14 mm उसका ड्रिल साइज। मीन इधर से आप कोई भी ड्रिल टाइप का उसका ड्रिल साइज भी निकाल सकते हो, जैसे उसका पीछे माइनस करके उसका ड्रिल साइज आ जाएगा। ये था कोर्स का। देन देखेंगे फाइन मीन्स आपका, जैसे यहाँ पे ये UNC का मैं एक साइज निकाल सकते हैं, UNC का यूज कर सकते हैं। आपको मान लो ये 32 मीन्स आपका N6 32 UNC, तो उसका पीच कितना है 0.794 और टेपिंग डायमीटर 2.85 और मेजर डायमीटर ये है। इसी तरह आप ये आप यूज़ करके आपका UNC का टेपिंग डायमीटर, मेजर डायमीटर ये सब यूज मतलब निकल सकते हैं और उसका पीच भी कितना है वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट देखेंगे एनग्रेमिंग टूल क्या है। वहाँ पे एक डायरेक्ट मान लो हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पे अमेजिंग ज्ञान टेक और एक स्टार मार देंगे, ये हमारा यूट्यूब चैनल अमेजिंग ज्ञान टेक। देन देखेंगे उसका हाइट कितना है, हाइट हमको 20 देना है और सेफ डिस्टेंस कितना 1 mm, हाँ 1 mm रहना है। और जेड कितना, डेप्थ कितना देना है 0.5 माइनस 0.4 दे देंगे, सॉरी माइनस नहीं दिया, माइनस 0.4। देन प्रोग्राम में क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है फानू और टेक्स TNC सिंपल बेस्ड प्रोग्राम, TNC क्लिक करेंगे, देन ओके, उधर आपका प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा। वहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट शेयर में जाकर शेयर व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं और सेव करके पेन ड्राइव पर लेकर आप मशीन में उसको यूज़ करके रन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा, जो भी एनग्रेमिंग आप करना चाहते हो कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर पे है CNC XC3, ये पहला बार आ जाएगा CNC XC3।
उसको ऑलरेडी मैं इंस्टॉल किया हूँ, अब वो ओपन करेंगे देखेंगे क्या है उसमें फैसिलिटी आपको मिलेगा। जैसे मान लो आप एक सर्कलर है, सर्कलर का सर्कुलर नहीं तो ये जैसे एक रेक्टेंगुलर जैसे है, बाद बीच में नहीं तो यहाँ पे ये कॉनिकल जैसे है, तो ये सर्कल लेंगे। सर्कल का आपको हॉल्स डालना है, चारों तरफ हॉल्स डालना है, तो नंबर ऑफ हॉल्स कितना है यहाँ पे मान लो 6 डालना है। और PCD मीन्स आपका कितना डिस्टेंस रहना है हॉल से, हॉल डिस्टेंस मान लो 80 mm। देन आपको स्टार्टिंग हॉल का एंगल कितना डालना है मान लो 15 डिग्री। देन यहाँ पे उस तरह आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, ये क्लिक करने के बाद आपको इधर प्रोग्राम मिल जाएगा, उसका प्रोग्राम भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो और उसको शेयर भी कर सकते हो। ये आप एक्सपोर्ट करके उसको NC स्टोर में जाकर सेव कर सकते हो और उसको आपका सेम मशीन में लगा के यूज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्वाइट, ये था हमारा CNC X3 आपके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे हम आपका आएगा CNC बोल्ट सर्कल। ये भी मैं इंस्टॉल कर लिया, देखेंगे इंस्टॉल उसमें क्या फैसिलिटी है। इसमें भी सेम आपको आर्क और स्पेन और एक इंटरपोलेशन प्रोग्राम निकालना है, यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे एक सर्कल का इसका सेंटर लिया है, सेंटर X और सेंटर Y ले लिया 0 0, देन उसको बोल्ट सर्कल डायमीटर कितना डालना है, देन होल्स डाय डालना है। उसी तरह आपको इधर भी आउटपुट कर सकते हो और रिव्यू कर सकते हैं। देखेंगे एक ऑन करके फुल सर्कल 360 डिग्री, ओके ऑन ऑन कर देंगे। नेक्स्ट इंक्रीमेंटल एंगल, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये सेंटर पॉइंट 0 और ये भी 0, और डायमीटर ये 100 mm, होल डायमीटर जितना है बॉल डायमीटर 100 mm, होल डायमीटर 50 mm। देन प्रीव्यू देखेंगे, ये प्रीव्यू हो गया, मीन्स आपका ये होल्स और उसके अंदर जो बॉल्स है ये हो गया। देन आउटपुट निकल से उसका प्रोग्राम निकल जाएगा, CNC जी कोड लगा के निकाल सकते हो और लिस्ट भी देख सकते हो, एक्स में कितना, वाई में कितना, और एक्सेल एक्सेल में उसको भी निकाल सकते हो। हम CNC जी कोड निकल के देखेंगे तो एक्स में इतना, X50, Y0, X25, Y43, ये आ जाएगा उसका पोजीशंस। ये तो था हमारा टॉप 3 आपके बारे में, और उससे अच्छा अब कुछ भी मिलेगा तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। हमारा यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा जुड़ी रहिए, और ये वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।